ओके, आज हम लोग सीखेंगे एडमिशन फॉर्म बनाना। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम साइज डिफाइन करेंगे। तो साइज मेरा A4 पेज है ये, तो A4 से सेटिंग इसमें मिलेगा पेज लेआउट में। और देखिए यहाँ पे साइज है, और साइज क्या ले लिए हम लोग A4। थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं, यही पेज का साइज हुआ हमारा पूरा। मार्जिन भी सेट करेंगे ऐसा हम कस्टम मार्जिन्स, और सब में 0.2। तो समझ लो दो, देखिए सब जगह मार्जिन सेट हो गया ना। अब यहाँ पे हम लोग ऊपर में लिखेंगे एडमिशन फॉर्म। तो देखिए एडमिशन फॉर्म लिखने के लिए नॉर्मली टाइप नहीं करेंगे हम, यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे और वर्ड आर्ट लेंगे। इसमें से कोई भी स्टाइल ले लीजिए, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट में बनाए तो हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट ही बनाते हैं, ये वाला स्टाइल ले लिए। और यहाँ पर हम लिख दिए एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म लिखकर ओके किए, देखिए ये हमारा क्या हुआ, आ गया। अब इसको यहाँ से हम लोग स्क्वायर करेंगे, अब इसको सीधा करेंगे। तो सीधा करने के लिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये फॉर्मेट टूल आएगा, बाहर क्लिक रहेगा तो कुछ नहीं आएगा। फॉर्मेट इस पर क्लिक किए और यहाँ से फॉर्मेट टूल शो हो रहा है, इसमें आएंगे सेंस शेप। और देखिए यहाँ पर ये स्टाइल है जिस रूप में इसको चाहते हैं वर्ड आर्ट को, तो हम लोग सीधा चाहिए तो सीधा ले लिया। और इसको छोटा कर लेंगे यहाँ से, बीच में कर लिए। अब इसी को हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी और पेस्ट, ये नीचे आ गया हमारा। अब यहाँ पे हम लोग सेंटर का नाम डालेंगे, जिस सेंटर का बनाना चाहते हैं वहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग सेंटर का नाम कैप्स लॉक करके डाल देते हैं। देखिए डाल दिया हम, यहाँ से हम लोग हो गया। अब इसको कलर में चाहते हैं तो हम लोग ऐसे से फिल करके कलर भी कर सकते हैं, आउटलाइन इसका नो आउटलाइन देख रहे हो, कलर भी हम लोग बना सकते हैं। और फिर इसी को हम लोग कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ऑलरेडी पहले से कॉपी था ही, और यहाँ पर लाते हैं राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग एड्रेस लिख देते हैं। लिख दिए और यहाँ से इसको आउटलाइन नो आउटलाइन कर, थोड़ा सा पतला हो जाए, मोटा था तो। चलिए एड्रेस हो गया, जूम कर लेते हैं कि दिखाई दे आप लोगों को। कोई नाम से सेव कर लेते हैं इसको, यहाँ पे गए ऑफिस में और सेव है, क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट है सेव करेंगे तो। अब बनाते रहेंगे और कंट्रोल एस करते जाएंगे, ये जो नाम दिए हम इस पे सेव हो जाएगा, किसी कारणवश अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाता हम लोग का तो ये डाटा हमारा रहेगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको भी, यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमको कुछ लिखना है
डबल क्लिक किए तो देखिए एक ही बार कर्जर यहाँ से हमारा यहाँ गया। यहाँ पर हम नॉर्मली टाइप करेंगे, कोई वर्ड आर्ट नहीं लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फिल दी फॉर्मिन कैपिटल लेटर्स ओनली, देख रहे हैं। अगर थोड़ा सा साइज बड़ा कर रहे हैं तो सिलेक्ट करके आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे 11 है तो 12 भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे वन लिखते हैं, वन टॉपिक वाइज, और जैसे वन लिख के स्पेस करेंगे यहाँ पे, देखिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, नंबर में। ये ध्यान रखिए कि जब भी वन लिखिएगा स्पेस करिएगा, उसके बाद से एक बार कंट्रोल जेड करिएगा कि हमको नंबर नहीं आए। ये नॉर्मली ऐसे हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं फुल नेम ऑफ द स्टूडेंट, इंटर करते हैं। हम लोग को बॉक्स बनाना है, तो बॉक्स बनाने के लिए इंसर्ट में आएंगे, टेबल में आएंगे और इंसर्ट टेबल, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं नंबर ऑफ कॉलम में 20 और नंबर ऑफ रो 1। देखिए आ गया। अब यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे इसके बराबर कर लेते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक किए, दो लिखे, मदर्स नेम इसका फर्स्ट लेटर बड़ा करते, फिर इंटर, फिर वैसे ही हमको बॉक्स बनाना है तो इंसर्ट में जाएंगे, टेबल इंसर्ट टेबल नंबर ऑफ कॉलम 20 नंबर ऑफ रो हो गया। फिर इसको थोड़ा सा ऐसे लाएंगे माउस यहाँ से, ऐसे देख रहे हो। चलिए अब हम फिर थ्री में लिखना है क्या, फादर्स नेम, फादर्स इंटर, फिर बॉक्स बनाना तो उसी प्रक्रिया लेंगे, इंसर्ट टेबल 20 छोटा कर लिए, फिर लिखना हमको डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए हो क्या रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा गैपिंग है, तो इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और पहले से आपको बताया था हम लोग लाइन स्पेसिंग 1.0 और यहाँ से रिमूव स्पेस। देखिए कितना हम लोग स्पेस बच गया, क्योंकि पूरे को हमको अभी ऑड मैटर है इसमें। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 में हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे जैसे हम बॉक्स बनाएंगे तो इसमें इसके सामने लिखना है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे चार के पास क्लिक करके एक बार हम लोग इंटर कर देंगे, स्पेस बन गया। और डेट ऑफ बर्थ में कितना होगा, 2 मंथ के लिए, 2 दिन के लिए और 4 ईयर के लिए 8 होगा। तो इंसर्ट में जाएंगे, टेबल, और यहाँ से 2, 4, 7 8x1 हो गया, ले लिए, और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पकड़ते हुए इसको जितना चाहिए उतना छोटा कर लें। यहाँ पे क्लिक किए हम थोड़ा सा और 2, चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे 5 में, देखिए कम्युनिटी पुट, अगर गलत स्पेलिंग हो गया तो यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और इसमें हमको जो भी सही होगा यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक। इस पर क्लिक कर लेते हैं और देखिए हमको जनरल एससी एसटी ओबीसी जनरल बीपीएल 5 है, 5 के लिए हम लोग 10 ले लेंगे लिखने के लिए। देखिए यहाँ पे इंसर्ट टेबल और एक ही बार हम लोग 10 ले लिए,
और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ठीक है इतना, और यहाँ से पकड़ के हम लोग इसके बराबर छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे लिख दिया हम लोग, SC ST OBC जनरल जो होगा उसके सामने टिक मार देंगे, BPL। देखिए डिजाइन कर लिए, चलिए अब हम लोग एड्रेस के लिए डिजाइन करते हैं, ठीक ना। अगर और कुछ इसमें चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आप हम लोग क्लास वगैरह डालना चाहते हैं तो क्लास भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया हम 6 क्लास, देखिए डॉट डॉट लिख सकते हैं, 7 आधार नंबर की जरूरत है तो आधार नंबर भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक। यहाँ पे इंटर की इतना ही जरूरत है हमको, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 8 में लिख दिए एड्रेस हो गया। देखिए एड्रेस जब भी लिखेंगे ना तो थोड़ा सा हम लोग छोड़ देंगे जगह यहाँ पे, यहाँ से टाइप करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे विलेज, और डॉट प्रेस कर देंगे, पोस्ट प्रेस कर डॉट, देखिए लास्ट हो गया, या फिर इंटर, फिर टाइप करेंगे तो टाइप से क्या होगा कि एक बराबर आएंगे हम लोग, टैब यूज कीजिएगा, ठीक ना। PS डॉट डिस्ट्रिक्ट फिर टैब अब लिखते हम लोग स्टेट, पिन कोड, देखिए अगर हम चाहते हैं यहां पे फिर ऐसे ही एक परमानेंट का एड्रेस बनाना है हमको, परमानेंटली दो होता है ना फॉर्म में, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे पूरे पार्ट को कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए और फिर इंटर किए और यहाँ पे कंट्रोल भी, यहाँ पे हम लोग कर देंगे परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम हो जाएगा, देखा ना कितना आसानी से बन गया। चलिए अब कुछ इसके साथ लिखना चाहते हैं हम लोग रूल रेगुलेशन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिख सकते हैं ठीक है,
देखिए इसको सिलेक्ट करेंगे डिक्लेरेशन लिखने के लिए, सेंटर बोल्ड अंडरलाइन, साइज थोड़ा सा इसका बड़ा कर लेते, ठीक है। फिर नीचे आए, यहाँ पर हम लोग डिक्लेरेशन लिख सकते हैं सर छोटा में, इंटर, ठीक ना। और फिर एक टाइप करेंगे, थोड़ा दूरी से लिखेंगे, जो भी बेटर है यहाँ पे लिख देंगे आई एग्री टू वाइड बाई रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल एट ऑल टाइम्स एंड आई प्रोमिस टू पे द ट्यूशन फी अलोंग विथ अदर अदर चार्जेस टू यू बाई द फिफ्थ ऑफ एवरी मंथ। कुछ रूल हो गया यहाँ पे, देखिए कुछ मिस्टेक हुआ है रूल्स, और इनको एंड हो गया, सही हो गया जो भी गलत था। चलो फिर ये सब को भी हम लोग सिलेक्ट करके एक बार यहाँ पे 1.0 या यहाँ तक भी हम लोग गलती हो कंट्रोल जेड, अगर मिस्टेक हो जाए कहीं, सबको सिलेक्ट कर लिए हम, ठीक ना, स्पेस मिलेगा क्योंकि नीचे और भी हमको लिखना है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम नीचे ग्रेजुएशन सिग्नेचर, एक इंटर किए क्योंकि सिग्नेचर करना है ना जी। ये कुछ मिस्टेक हो तो राइट क्लिक करके इसमें हम लोग सुधार भी सकते, और यहां पे डॉट डॉट स्टूडेंट सिग्नेचर। देखिए अगर हम चाहते इसका फॉन्ट बदल दे तो यहां से सिलेक्ट करेंगे, और एक फॉन्ट होता है बुरुस स्क्रिप्ट जो कि कर्सिव लेटर में लिखा था, याद रखिएगा BRUSS बुरुस स्क्रिप्ट MT, इंटर करेंगे, देखिए देख रहे ना इस रूप में हो गया। अगर इसको भी चाहते तो हम ऐसे कर सकते हैं, सिलेक्ट किए इसमें गए और बुरुस स्क्रिप्ट MT, याद रहेगा आप लोगों, बोल्ड कर देते हैं इसको दोनों को। चलिए आसानी से इसके ऊपर सिग्नेचर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब फॉर्म को हमको बीच से फाड़ना है, यहाँ से नीचे से रसीद बनाना है कि उसको दे दें, तो उसके लिए देखिए एक चीन देंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे इंसर्ट में और शेप में, और यहाँ से लाइन लेंगे और शीप के साथ प्रेस करेंगे, शीप के साथ एकदम सीधा होता है, ठीक है। अब देखिए शो नहीं कर रहा है, लाइन आया है लेकिन शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आउटलाइन में जाएंगे और वेट, देखिए जैसे वेट में आया गया ना तो ऐसे हम लोग थोड़ा सा इसको मोटा कर लिए। अब चाहते कि बीच में डॉट डॉट हो जाए, फाड़ने वाला चीन आ जाए, तो शेप आउटलाइन और डैश में आकर यहाँ से ये ठीक है। अगर ऊपर हम लोग लेके जाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा एरो की से ऊपर भी हो गया, ठीक। चलिए अब बीच में हमको कर्जर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, आ गया, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिसीप, ओनली यूज फॉर ऑफिस, इसको सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल ई करिए, शॉर्टकट में सेंटर हो जाएगा
और इसका फॉन्ट थोड़ा सा बदल दीजिए। इसको सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे मोनो टाइप कर्सिवा। इस फॉन्ट, ये भी एक फॉन्ट होता है, देखिए कैसे हो गया। और थोड़ा सा साइज इसका हम लोग बढ़ा देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं, देख रहे हैं ना। चलिए इस सबको हम लोग सिलेक्ट करते हैं यहाँ से 1.0, ठीक है। चलिए अब फिर हम लोग यहाँ पे सेंटर का नाम देंगे कि उसको, तो यहीं से सेंटर का नाम ऊपर में से कॉपी और पेस्ट कर लेंगे। देखिए सेंटर का नाम आ गया, नीचे लाएंगे इसको, आ गया नीचे। और यहाँ पे इतना बड़ा हम लोग नहीं लिखे, ठीक हो गया। चलिए यहाँ पे नीचे डबल क्लिक, आगे यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जो भी हम लोग का एड्रेस है, लिख सकते हैं। सेलेक्ट किए और यहाँ से सेंटर या कंट्रोल ई से भी सेंटर कर सकते हैं, बोल्ड अंडरलाइन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमको रिसिप्ट बनाना है, तो फिर डबल क्लिक आगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट डॉट डॉट, इंटर, फादर्स नेम, डेट, देखिए हो गया। और नीचे में हम लोग सिग्नेचर लिख देंगे, इंटर किए और एक और इंटर, देखिए डॉट दिए यहाँ पे, काफी है इतना। फिर स्पेस किए, यहाँ भी डॉट, इंटर, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देके हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए इधर आ जाते हैं हम लोग, जो भी लिखना है आप इसी पेरेंट सिग्नेचर जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसको फाइल में जाए, यहाँ से ऑफिस बटन में जाएंगे, प्रिंट और प्रिंट रिव्यू, देख सकते हैं हमारा मन कैसे तैयार हुआ है। यहाँ से हम लोग इसको चाहें तो प्रिंट में जाके जितना कॉपी इसका निकालना हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें और कुछ हम लोग सेटिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई इसका कॉपी ना करे, ठीक ना, थोड़ा सा इसको हम लोग और हम चाहते कि नहीं फोटो भी चिपकवाना है, तो फोटो बनाने के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से शेप में और यहाँ से बॉक्स ले लेंगे। देखिए यहाँ पे एक हम फोटो वाले बॉक्स बना लेंगे, देख रहे हैं, इसमें कुछ लिख, जैसे लाइन मोटा करना है थोड़ा सा,
हो गया। राइट क्लिक ऐड टेक्स्ट, इसमें हम लोग लिख देंगे पेस्ट योर फोटो, ठीक ना। सिलेक्ट किए, होम में सेंटर कर लेते या कंट्रोल ही कर लीजिए और एक बार पी के पास क्लिक करके इंटर कर दीजिए, हो गया। अब देखिए इसमें हम चाहेंगे नहीं कुछ अपना वाटर मार्क लगा दे, कोई जीरोक्स भी करे तो उसमें धुंधला करके दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पे पेज लेआउट में हमको एक सेटिंग मिलता है पेज लेआउट और यहाँ से वाटर मार्क, यहाँ से हम लोग अपना पिक्चर भी लगा सकते हैं, कस्टम वाटर मार्क करेंगे। देखिए ये खुला है, अगर पिक्चर क्लिक करेंगे पिक्चर लगाना है तो पिक्चर, अगर कोई चीज टेक्स्ट हम लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट टाइप कर देंगे जो भी लगाना चाहते हैं, समझ लीजिए। या आप लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस कंप्यूटर, ऐसे ओके करेंगे। आप देखिएगा ये हल्का कलर में आ गया, यहाँ से प्रिंट में जब भी देखिएगा दिख रहा है फॉर्म में ये हल्का से दिखाएगा, लेकिन हम चाहते नहीं यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं, हमको पिक्चर लगाना है, लोगो वगैरह को धुंधला बनाना है। फिर वहीं जाएंगे हम लोग पेज वाटर मार्क में, कस्टम वाटर मार्क और पिक्चर और सिलेक्ट पिक्चर। इसमें हम लोग डेस्कटॉप पे लोगो बना के पहले से रखे हम लोग डेस्कटॉप, देखो ये अल्फा प्लस का है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट करेंगे, ओके करेंगे, देखो ये लोगो आ गया। बीच में सेंटर में हो गया, ऐसे आप लोग एडमिशन फॉर्म बना सकते हैं।